मैं सो आज हम लोग बात करेंगे इस ऑल न्यू महिंद्रा 5 एंड अगर आप इसके ओल्ड वाले में जाते हैं तो ये भाई ओल्ड लोगो वाली महिंद्रा बढ़िया। यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट मिलेगा इसके स्टेरिंग का, जहाँ पे आपको न्यू वाला लोगो देखने को मिल जाता है, आपको नहीं दिख रही होगी। एंड ये भाई हमारी ओल्ड वाली बुलेरो, तो यहाँ पे क्या आपको पुराना वाला लोगो मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का सुनील ऑटो कार में। सो आज हम लोग बात करेंगे इस ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो के बारे में। एंड ये हमारी न्यू महिंद्रा बुलेरो, न्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट आपको मिल गया है न्यू वाला लोगो, जो कि आप इसके फ्रंट ग्रिल में देख पा रहे। बाकी सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी 7 सीटर रफ एंड टफ एसयूवी कार में। एंड ये आप इसका देख रहे हैं 6 वेरिएंट। तो आज इसी को हम लोग प्रॉपर डिटेल में कवर करने वाले, बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, देन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसके हम लोग फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप इसकी फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं। अभी आपको न्यू लोगो के साथ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही पूरा न्यू वाला महिंद्रा का लोगो। एंड बाकी यहाँ पे पूरा सारी चीज़ें सिमिलर मिलने वाली वर्टिकल शेप में इसकी फ्रंट ग्रिल। हेडलैम्प की बात की जाए तो ये नॉर्मल हाइलोजन बेस आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड में आपको पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एंड टॉप एंड मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको DRL भी ऑफर किए जाएंगे, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। नीचे आएंगे तो फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे इस 26 वेरिएंट में नहीं दिए जाते। एंड फ्रंट बम्पर पूरा मेटल का रहने वाला है, ये पूरा लोहे वाला आपको दिया जा रहा है। बाकी अगर नीचे की बात की जाए तो इस तरह देखेंगे आपको यहाँ पे नीचे का इसका सस्पेंशन वगैरह का सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वही आपको 180 मिलीमीटर का देखने को मिल जाएगा इस कार का। तो ये थी इसकी न्यू वाली महिंद्रा बुलेरो की फ्रंट प्रोफाइल। एंड अगर आप इसके ओल्ड वाले में जाते हैं तो ये है भाई ओल्ड लोगो वाली महिंद्रा बुलेरो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चेंजेस मिलता है, यहाँ पे लोगो का जो आपको डिफरेंट मिलेगा, जो आपको पुराना वाला दिया जाता है। तो फ्रंट से एक आपको यहाँ पे मेजर चेंज देखने को मिल जाएगा, बाकी इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इस महिंद्रा बुलेरो के। एंड अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो वही आपको इसमें 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, इसका बेस B4, देन B6 एंड B6 ऑप्शनल इसका टॉप एंड मॉडल। तो फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी बड़े से आपको इसके लुक्स मिल जाते हैं। एंड अगर इसके हम लोग साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो ये है भाई हमारी 7 सीटर रफ एंड टफ SUV कार महिंद्रा बुलेरो की साइड प्रोफाइल। एंड इस तरह कुछ आपको पे देखने को मिलती, पूरा ग्राफिक्स दिया गया, एमहॉक का डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें डीजल का ऑप्शन ही प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसी के साथ अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात कर ले तो 3995 mm की आपको इसकी मिल जाती है लेंथ, एंड 1745 mm की विड्थ, एंड 1880 mm की हाइट मिल जाएगी इस महिंद्रा बुलेरो की। एंड ये है भाई इसके साइड प्रोफाइल। व्हील बेस वही आपको मिलता है 2680 mm का। बाकी यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलते हैं इसके 15 इंच के स्टील रिम। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं। एंड रियर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाएंगे। बाकी व्हील कवर यहाँ पे भी आपको न्यू अपडेट, वही न्यू वाला महिंद्रा का लोगो। एंड टायर प्रोफाइल की अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो कहाँ गया भाई इसका टायर सेक्शन, ये रहा 215/75 R15 इंचेस के रेडियल के टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड ट्रेवल अच्छा खासा रहने वाला है भाई, बिकॉज गांव वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है तो यहाँ पे इसका स्पेस तो चाहिए। यहाँ पे देखते तो क्लैडिंग सेम बॉडी कलर की रहेगी चौड़ी सी। एंड यहाँ पे आपको मिलते इसके इंडिकेटर्स, एंड एमहॉक का आपको डीजल इंजन ऑप्शन दिया जाता है, तो भाई उसकी बैजिंग दी गई है। एंड आपको इसमें 1500 cc का एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 175 bhp की पावर एंड 210 Nm का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग 16 kmph का माइलेज। एंड आउटसाइड मिरर्स इसके अगर हम लोग बात कर ले तो सेम बॉडी कलर रहेगा। एंड मैनुअली फोल्डेबल, मैनुअली एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है इसका ORBM। यहाँ पे मिलते हैं डुअल वाइपर एंड वॉशर, ऊपर इस तरह कुछ इसकी रूफ, बाकी डोर हैंडल्स सारे ब्लैक फिनिश में यहाँ पर रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे साइड में आएंगे तो आपको बोलेरो बेसिक जो कि वारंटी है उसकी बैजिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड अंदर इंटीरियर की अगर इसके हम लोग बात करें तो अंदर देखेंगे सब कुछ सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट मिलेगा इसके स्टेयरिंग का, जहाँ पे आपको न्यू वाला लोगो देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड। एंड इसी के साथ अगर आपको मैं ओल्ड वाले बुलेरो को दिखा दूँ तो ये खड़ी हुई फ्रंट में वही लोगो, बाकी चीज़ें सिमिलर, स्टील रिम हो या साइड प्रोफाइल हो, ग्राफिक्स हालांकि यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रही होगी। एंड ये भाई हमारी ओल्ड वाली बुलेरो, तो यहाँ पे क्या आपको पुराना वाला लोगो मिलेगा। बाकी इंटीरियर इसका देखते हो तो यहाँ पे चेंजेस मिलेगा, ये थोड़ा आपको डिफरेंट कलर का मिलता है, वहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश टाइप का दिया जाता है। तो आइए उसी पे चलते हैं कंटिन्यू। एंड यहाँ पे फूड रेस्ट वगैरह देख सकते हैं इसके, देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 60 लीटर। एंड व्हील बेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही आपको उसमें मिलता है समथिंग 2680 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस वही 180 mm का ऑफर किया जाएगा इस 7 सीटर कार में। और रियर प्रोफाइल की अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो ये महिंद्रा बुलेरो की काफ़ी बढ़िया से इसकी बैक प्रोफाइल, यहाँ पे भी आप वही महिंद्रा का लोगो जो आप देख सकते हैं, इसके स्पेयर व्हील में काफ़ी बड़े मस्कुलर से लग रहा है, यहीं पे बुलेरो की बैजिंग। एंड इसकी अगर बैकलाइट की बात करें तो भाई हाइलाइट तो सर रहेगी इसी में, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर वगैरह सभी कुछ यहीं पर आपको दी गई है। हैंडल वही यहाँ पे ही मिलता है पूरा ब्लैक कलर का, जो कि आप देखते चले आ रहे हैं। ये लोगो आप पास से देख लीजिए, दूर से मैंने दिखाया था तो न्यू वाला लोगो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है देखने में, बटरफ्लाई वाला। यहाँ पे बुलेरो की बैजिंग और ये इसका स्पेयर व्हील, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप। एंड स्पेशल थैंक्स नारायण ऑटोमोबाइल समोसरपुर लखनऊ, जिन्होंने वीडियो कॉल करने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आपको कोई भी महिंद्रा की कार्स लेनी तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा वही फ्रंट में जैसे था भाई, उसी तरह बम्पर, यहाँ पे बॉडी कलर, दो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है और ये रही इसकी एग्जॉस्ट पाइप,
एंड नीचे की बात की जाए तो इस तरह नीचे का आपको यहाँ पे पूरा सस्पेंशन सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है इस बोलेरो का। तो इसी के साथ आप चलेंगे इसके, हम लोग बूट स्पेस कह लीजिए, थर्ड रो जो भी बोल लीजिए। तो इसको खोलते हैं इसके गेट को, तो ये इसका पूरा डोर पैनल यहाँ पर देखेंगे, मैट ब्लैक फिनिश में, वही थोड़ा हार्ड टाइप का इसका है भाई डोर ओपनर, ये हैंडल। तो ये सब चीज़ें थोड़ा भाई चीफ लगती हैं, जो कि पहले से चली आ रही डिमांडेड एसयूवी कार है। एंड यहाँ पे आते हैं इस तरह पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। चढ़ने के लिए भाई फुट रेस्ट, बिकॉज हाइट अच्छी खासी है 1880 mm की। एंड अभी हम लोग बैठ चुके कार के अंदर, तो बैठने के बाद यहाँ पे भाई स्पेस अगर दो बैठ जाएंगे दो लोग आराम से, सीट अगर फोल्ड कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया से आपको 400 के समथिंग यहाँ पे बूट स्पेस भी मिल जाएगा। तो केबिन की बात की जाए तो ये भाई इसका पूरा केबिन 7-सीटर है भाई। उसी के साथ यहाँ पे देखते हैं न्यू वाला लोगो जो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है देखने में। तो आइए अब चलते बाहर, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं भाई इसके इस रो के अंदर। तो इसको करते बंद एंड इधर से देखेंगे तो ये पूरा इस तरह कुछ आपको ग्लास पैनल एरिया वगैरह, एंड यहाँ से आप डीजल फ्लूड वगैरह इसमें फिल करा सकते हैं। तो अब चलेंगे हम लोग इसके कार के अंदर, तो वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट की तरफ अगर हम लोग चलें तो यहाँ से आप अपनी कार को अनलॉक कर सकते हैं, एंड रिमोट सेंटर लॉकिंग की दी जाएगी जो कि आपको मैं दिखाई चुका हूँ। एंड डोर पैनल पूरा इस तरह, यहाँ पे आपको मिलता है इसका डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे स्पेस छोटा मोटा मिल जाएगा, कुछ भी सामान रख सकते हैं। बाकी इसका फ्रंट डैशबोर्ड, तो ये भाई इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड, एंड ओल्ड वाले का मैं आपको दिखाई चुका हूँ, वहाँ पे कलर थोड़ा दूसरा मिलता है, बाकी ये लोगो नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सिमिलरली देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, फैब्रिक की सीट्स, सीट रिक्लाइन का आपको सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का सारे पैडल्स, और यहाँ पे आएंगे तो हेडलैम्प लेवलर जहाँ से आप अपने हेडलैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है, एसी वेंट्स के डिज़ाइन, ये फिनिश यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा वुडन टाइप की आपको प्रोवाइड की जाती है। और अभी हम लोग की को लगाएंगे फिर बैठेंगे अंदर, तो भाई न्यू वाला लोगो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। एंड यहाँ पे लगाते हैं इस की को, थोड़ा सीट को एडजस्ट करते फिर आगे बात करते हैं। तो ये रहा भाई हमारा स्टीयरिंग व्हील न्यू वाला महिंद्रा का लोगो। ऑन करेंगे सबसे पहले इसके इग्निशन को, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कोई कंट्रोल्स नहीं रहेंगे, बिकॉज इसका आप ये सेकंड बेस B6 वेरिएंट देख रहे हैं, बेस के ऊपर वाला, देन इसके बाद टॉप एंड मॉडल आता है इसका B6 ऑप्शनल। एंड क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में पूरा रहेगा, यहीं पे आपको आरपीएम मीटर, स्पीडो मीटर वगैरह सभी को शो करेगा डिजिटली फॉर्म में। बाकी यहाँ पे लो फ्यूल वार्निंग की देख सकते हैं चेक लाइट्स, एंड यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दिख जाएगी। तो थोड़ा पतला पतला सा दिया गया है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे आएंगे तो ये सेंटर कंसोल, सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे भी पूरा वही वुडन टाइप की थोड़ी फिनिश। एंड यहाँ पे मिलता है आपको ये वाला भाई ऑडियो सिस्टम, ये ब्लूटूथ USB ऑक्स वगैरह सपोर्टेड होगा, कॉल्स वगैरह भी आप यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैनुअल एसी के यहाँ पे कंट्रोल्स देख सकते हैं ये भाई। एंड यहाँ पे आएंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे स्पेस, और ये रहा भाई इसका 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे आते हैं तो इसकी वही हैंड ब्रेक, यहाँ पे ग्लास होल्डर्स, ऑल 4 पॉइंट के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, इसी के साथ अपने ग्लास को लॉक कर सकते हैं उसके यहाँ पे कंट्रोल्स। यहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ये इसका इधर का डोर पैनल, तो भाई बंद हो जाओ टुन टुन। तो अभी आएंगे इस साइड तो ग्लव बॉक्स में, भाई जानते हैं महिंद्रा का सिर्फ XUV300 को छोड़ के ग्लव बॉक्स में थोड़ा कमी आपको स्पेस मिलेगा। डुअल एयरबैग, इधर भी बैजिंग मिलती है दूसरा स्टेयरिंग में। एंड ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका एडजस्टेबल IRBM, यहाँ पे देखेंगे तो इसका सनवाइजर, और इधर भी देखेंगे खाली सनवाइजर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है। माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और ये रही इसकी रूफ लाइट थ्रो वही येलो। इधर भी हैंडल, पीछे का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह, तो पीछे चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए 7-सीटर के हिसाब से भाई, जो रफ एंड टफ एसयूवी कार अगर आपको चाहिए कहीं भी फंसा दीजिए टूटी फूटी रोड गाँव वगैरह में, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया से आपको ऑप्शन मिल जाता है इस महिंद्रा बोलेरो का। तो अभी आइए चलते हैं इसके सेकेंड वाली रो पे, वहाँ पे देखते हैं आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो की को निकालते हैं, देन सेम उसी तरह ब्लैक कलर का इसका डोर हैंडल जो कि आप देखते चले रहे बहुत पहले से वही वाला है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, ये इसका डोर ओपनर। एंड इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे भाई इसकी जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बैठ पाएंगे, तो आइए देखते बैठ के। एंड अभी बैठ चुके भाई इस महिंद्रा बोलेरो के सेकंड वाली रो पे, फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू कुछ इस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे स्पेस था स्पोर्ट की बात की जाए तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह भाई, एकदम बढ़िया से मैं बैठा हुआ हूँ, बढ़िया से आपको लेगरूम, थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन से मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट, तो डोर पैनल को पहले करेंगे बंद, ऊपर यहाँ पे इसका हैंडल, और ये रहा इसका पूरा स्टीयरिंग व्हील न्यू वाला लोगो। एंड
स्पेस तो भाई अच्छा खासा है, तीन लोग तो यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे, इतना स्पेस आपको मिल जाता है 7 सीटर एसयूवी कार के साथ। बाकी क्या है, ऊंचा बैठ रहे हैं तो थोड़ा आपको फील अच्छा आने वाला है। तो अभी हम लोग चलेंगे कार के बाहर, फिर बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, देन फीचर्स के बारे में। बट यहाँ पे क्या है भाई, कोई आपको रियर एसी इवेंट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे इस बोलेरो के साथ। सो यही था इस महिंद्रा बोलेरो का पूरा अंदर का इंटीरियर, एंड इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ हो चुका है। कलर ऑप्शंस आपको इसमें दो मिलते हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं इसका व्हाइट कलर, दूसरा सिल्वर, दो ही ऑप्शन मिलेंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीजल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा इस महिंद्रा बोलेरो में। न्यू अपडेट के नाम पर यहाँ पे भाई आपको सिर्फ न्यू वाला महिंद्रा का लोगो मिलेगा, बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर सब सिमिलर है। जैसा कि आपने इस ओल्ड वाली बोलेरो का देखा तो फ्रंट में वही लोगो का चेंज देखने को मिलता है। बाकी आउटसाइड मिरर यहाँ पे ब्लैक कलर का मिल रहा है, यहाँ पे जाते हो सेम बॉडी कलर, यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह है यहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगी। एंड फ्रंट डैशबोर्ड में जो मोटा मोटा चेंजेस मिलता है कलर का, ये देख रहे हैं थोड़ा अलग आपको डिफरेंट कलर मिलेगा, बाकी यहाँ पे लोगों नहीं मिलता है। एंड वहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश टाइप का इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिया जाएगा। रियर में कोई भी आपको चेंजेस नहीं है। बाकी बैक में आएंगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड वाला लोगो मिलेगा, बाकी सभी चीज़ें सिमिलर ऑफर की जाती हैं इसमें और उसमें, सिर्फ न्यू अपडेटेड लोगो आपको मिल जाएगा इस न्यू बोलेरो में। तो अभी बात करें अगर इसके प्राइसिंग के बारे में, अगर आप इसका बेसिक फ्रेंड लेते तो आपको 10 शोरूम एंड 11,52,000 के आसपास पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ। सो ये इसकी प्राइसिंग। सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, सेंटर लॉकिंग एंड इसी के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। सो यही था आज का हमारा वीडियो महिंद्रा बोलेरो का। सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।